करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज फॉर्मूला, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला उनको बोलेंगे जिससे कि हम लोग स्पीसीज के एक्चुअल कंटेंट को दिखा सके, ठीक है। तो इसके इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस, ठीक है। आगे चल के लिखेंगे द फॉर्मूला कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का स्पेलिंग होगा EMPIRICL, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्पेलिंग पता ही होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल्स की बातें करें, सुनना, एग्जांपल्स की बातें कर ले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बातें करता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब सुनते जाना, जैसे कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसके होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर अपन लिखते हैं तो इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एक्चुअल कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मतलब एक्चुअली कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है इस फॉर्मूले में, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे, मतलब छोटे रेशियो में, तो इसको बोलेंगे C1H1, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH हो गया, तो CH इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेयर एज C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हुआ, जैसे C6H12O6 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। देखो सब में 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 से डिवाइड कर सकते सब में, तो इसका सिंपलेस्ट क्या हो सकता है C1H2O, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी, ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। अब सुनना कि इसका कुछ एग्जांपल्स दीजिए सर, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा, अभी एक दो दूंगा, बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज बनवाने वाले हैं, मतलब 3-4 तो मैं बना के दूंगा, बाकी तुम लोग के ऊपर ठेलूंगा कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एल्डिहाइड, सुनना, एल्डिहाइड इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, क्या सही है कि गलत है। सुनना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHCHO, फॉर्मल्डिहाइड लिखना, एल्डिहाइड मत लिखना, फॉर्मल्डिहाइड लिखना, इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका जब एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो अभी लिखे है ना C1H2O1, यही तो है इसका फॉर्मूला C1H2O1, H2 है, तो यस इट इज करेक्ट। तो ऐसा करके पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ऑप्शन में पढ़े रहेंगे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और मीथेन, पता ही नहीं चलेगा ये क्या पूछा। ये पूछा कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला में लिख के एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एल्डिहाइड का आएगा कि ग्लूकोज का आएगा कि अल्कोहल का है, किस चीज का आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक लेवलिंग ये हुए। अब दूसरी थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए मेन सब्सटेंस पे आ जाएंगे। यहां पे देखना, ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के बाद बताते हैं, लिखना इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इट इज एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एग्जांपल बेंजीन C6H6, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो CH इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, सुनना, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल को मिला के, जैसे C2H6, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इथेन है, अगर इथेन लिखना हो तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, लेकिन वही इसका इंपेरिकल लिखना हो तो 2 का मल्टीपल में, मतलब CH3, ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला उसको बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 100, 200, 300 है, तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं सबको,
तो 1, 2, 3 इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जिसको बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। अब बात आती है कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखें किसी का सब्सटेंस का, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो ये मेन शुरू होता है यहां से, अब एग्जांपल से शुरू करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखेंगे। इसमें एक चीज ये लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, जैसे C6H6 का ही, जैसे देख ले बेंजीन का ही, तो अपन लोग बोलेंगे इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसी का CH लिखे तो इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा फॉर बेंजीन। बोलो फॉर बेंजीन एम्पेरिकल फॉर्मूला इज दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। अभी सुनना, अगर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में (x)² कर दें तो यही आ जाएगा ना C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये थोड़ा सा याद रखने की चीजें नहीं है, ये दिमाग से ही क्लियर हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। अगर तुम किसी चीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हो और वो आ रहा है CH और बोल रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट जो है, वेट वो 78 ग्राम है, इसका मतलब कार्बन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा कि वो 78 हो जाए, यही ना। तो इंटू एन कर देंगे, जैसे CH आया इंटू एन कर देंगे और मॉलिक्यूलर वेट 78 दिया है, तो कार्बन का वेट 12+1 इंटू एन इज इक्वल टू 78, 13, 78, 6 एन इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से लिख सकते हो, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 78 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज 78 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप का एक एग्जाम्पल लिख लो। अब क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसा मिलेंगे, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करते जाना। देखो सुनो, 2-3 क्वेश्चन तक तो तुम लोग पेन भी नहीं उठाओगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ बस देखते चलना है। लालच आएगा कि अरे ये सब तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन छूना नहीं है पेन, लालच आने दो, मन को समझने दो कि अरे मैं बना सकता हूँ, ये सर आप रहने दीजिए मैं बनाऊंगा। नहीं बनाओ, मैं क्वेश्चंस दूंगा घर से बनाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चंस देखते चलो। क्वेश्चन लिखा है कि MOT मॉथबॉल्स कंटेन 93.71% कार्बन एंड 6.29% हाइड्रोजन, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 128 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, सुनते जाना बस देखते जाना, कभी कोई नहीं बनाने की कोशिश करेगा। तो पहले अपन एक टेबल बनाएंगे, सुनते जाना, जब भी क्वेश्चन आए इंपेरिकल फॉर्मूला का एक टेबल बनाना, ठीक है, 4-5 कंधे बात लो। इसके बाद लिखना, इधर कार्बन दे रखा है और क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। कार्बन दे रखा है 93.71%, 100 ग्राम का पूरा मान लेंगे, 100 ग्राम का 100% ही होगा ना पूरा कंपाउंड, तो 93.71% कार्बन दिया है। हाइड्रोजन दिया है 6.29%, ठीक है, इतना दे रखा है अपन के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना, अगर इतना ग्राम कार्बन है तो कितने एटम कार्बन के होंगे, कितने एटम कार्बन के होंगे, एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एक एटम कार्बन का 12 ग्राम का होता है, तो इतने ग्राम में कितने, तो 93.71 डिवाइडेड बाई 12 करें, यहाँ पे हो जाएगा 6.29 डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये हो जाएगा इतना ही, ये हो जाएगा आई थिंक 7.8 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा 6.29, मतलब कार्बन है 7.8 और हाइड्रोजन है 6.29। हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब 7.8 या 6.9, तो 6.9 सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे सबसे छोटे वाले से दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 6.29 और यहाँ पे 6.29 डिवाइडेड बाई 6.29, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1.24। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है, इसमें अप्रॉक्स भी लेने होंगे, अभी देखते चलो, अप्रॉक्स भी लेने होंगे। 1.24 आया, हम अगर 1.20 लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बातें हैं कि कार्बन आया 1.24, हाइड्रोजन आया 1, ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 1.24 इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज ए डेसिमल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए किसी ऐसे चीज से मल्टीपल करो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो 1.25 होता तो इंटू 4 करते तो ये 5 हो जाता,
इससे सिंपलेस्ट तो हो नहीं सकता, ये डेसिमल में ही रहेगा। तो इंटू फोर ऊपर भी करो और इंटू फोर नीचे भी करो, देखो इंटू फोर ऊपर भी इंटू फोर नीचे भी, तो ये आ जाएगा फाइव, ये आ जाएगा रेशियो फोर। अगर मैं बातें करूं थोड़ा सा इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब डेसिमल में नहीं, बट डेसिमल में 1:1.24 लिख सकते थे, नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला C5H4, इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। आई थिंक निकालने आ गया होगा थोड़ा बहुत, कुछ कुछ कंफ्यूजन ये होगा। देखना क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, पहले लिखेंगे परसेंटेज, इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने का मतलब 93 ग्राम में कितने कार्बन, एक कार्बन का 12 ग्राम, तो 93 ग्राम में कितना, तो 93 डिवाइडेड बाय 12, उसके मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, जो इसमें से छोटा हो उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि एक वन आ जाए, कोई एक वन आ जाए, तो ये छोटा है इसे डिवाइड किया तो ये वाला वन आ गया, ये वाला 1.24 आया। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदल लिया, सिंपलेस्ट रेशियो जैसे 2, 3, 4 जिसमें चेंज हो जाए जल्दी से, तो ये 1.24 है, 24 मतलब 25 मान के अगर चले 25, तो 25 चौका 100, 25 इंटू 4, 4 तो मिनिमम करना पड़ेगा तब ये सिंपल में आएगा, इसलिए मैंने इसको किया। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बात आती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है 128, चलो 128 इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, सी फाइव, 12×5=60, एक कार्बन का 12 ग्राम, तो 12×5=60 और ये हो जाएगा 4, 64 हो जाएगा, आई थिंक 64 इंटू 128, टू टाइम्स में कैंसिल, एन इज इक्वल टू 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू सी फाइव H4, that is equal to, सुनना, C10, 5×10, H8, it is a molecular formula. थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मैंने शुरू में ही बोला था, तीन क्वेश्चन मेरे को बताने दो, तीन क्वेश्चन बताते बताते सबके दिमाग में घुस जाएगा ये चीजें, बस तीन क्वेश्चन तक सुनते जाओ, कोई नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, आ गया तो भी नहीं लिखेगा, किसी किसी को ये भी समझ में आ गया सर इस बार तो मैं निकाल लूंगा, फिर भी नहीं निकालने आंसर, देखते जाओ। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लिखा है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेन 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। ठीक है, इन सबके मॉलिक्यूलर मास दिया है, पोटेशियम का 39, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 16। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला कल का करना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले सर टेबल बनाएंगे। टेबल क्यों बना रहे हैं आप, टेबल बनाने की तो जरूरत भी नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट लिखते चलेंगे। देखना, सबसे पहले दिया पोटेशियम, देन दिया क्रोमियम, देन दिया ऑक्सीजन, क्या टेबल बनाने हैं, साफ साफ आगे आगे लिखते चलो। पोटेशियम का मास दिया है 26.6%, क्या दिया 26.6%, मतलब इतने ग्राम मान लेते हैं। क्रोमियम का दिया है 35.4%, ऑक्सीजन का दे रखा है 38.1%, बोलो ये दे रखा है। इसके बाद क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम निकालते थे सर, नंबर ऑफ एटम निकालिए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इस सबके वेट से डिवाइड करते थे, वेट से, इन सबका वेट भी दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 26.6 डिवाइडेड बाय, इसका वेट दे रखा है 39, इसका 35.4 डिवाइडेड बाय, क्रोमियम का वेट जो दे रखा है वो 52, इसका 38.1 और ऑक्सीजन का वेट 16 दे रखा है, याद भी है। ठीक है, ये हो गया सर, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिए तो जल्दी से। अब देखना थोड़ी सी चीजें यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा हार्डनेस आएगा, कैलकुलेटर यूज करना होगा, जो कंपटीशंस में क्वेश्चन दिए रहेंगे वो कैंसिल ईच अदर हो जाएंगे आराम से, इसका टेंशन नहीं लेना है सर, कंपटीशन में क्या करेंगे वो आराम से कैंसिल होंगे, यहाँ पे बुक्स के क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सुनना, कैंसिल होने के बाद ये आता है 0.68, ये भी 52 डिवाइडेड बाई 35, ये भी 0. कुछ ही आएगा, मतलब ये दोनों बराबर ही आने चाहिए ताकि ये आराम से फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में हो। सुनना, सिंपलेस्ट रेशियो में होने के लिए ये दोनों अगर बराबर है, 6.8 नहीं आके 7 भी आ जाए तो अप्रॉक्स 6.8 मान के हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये आएगा जो वो आएगा 2.1632, ये आएगा 2.38। ठीक है, अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, सुनना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ऐसे ही लिख दे क्या, नहीं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदले, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 मतलब 1,
ये आ जाएगा 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68, ये आ जाएगा 3.5. ये 3.5 लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलो, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक नंबर में चेंज हो जाए, इनटू 2, तो यहां पे 1 इनटू 2 3.5 इनटू 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 7. अब अपन के पास यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ चुका है, ये पोटेशियम 2, सुनना, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है अपने पास, K2Cr2O7, आई थिंक इसके बारे में सुने होंगे, अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये स्टेप जैसे ही याद हो जाएगा ना दिमाग में, क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो आराम से बना सकते हो। अब मैं तीसरे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तुम लोग अभी कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, बस देखते जाओ, घर पे बैठ के आज थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि खुद से जब बनाओगे ना बैठ के तो अच्छा लगेगा, ये तीन क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन में दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 10.4% कार्बन, ठीक है, 0.84% हाइड्रोजन एंड 89.12% क्लोरीन, डिराइव द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 119.5 amu, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, सुनना, दिया है कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक, दे रखा है परसेंटेज, परसेंटेज जो दे रखा है वो सुनना थोड़ा ट्रैक्टर को, इनके परसेंटेज जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं कार्बन के, सुनना, 10.4% हाइड्रोजन के दे रखे हैं 0.84% और क्लोरीन के दे रखे हैं 89.12%। ये थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल का, कहोगे तो एक और बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। सुनना, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, अब तुम लोग सोच सोच के थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो, बनाना नहीं है, बस दिमाग से सोचना है, दिमाग को वर्क दो, लोड दो उस पे। कार्बन का इतना दिया तो नंबर ऑफ एटम निकालते हैं सर, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एटम के मास से डिवाइड करते हैं, मास से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 35.5। सर इसका 0.84 तो जरूर आएगा। अब देखना, मैंने क्या बताया कि ये 0.84 है, तो ये भी अगर 0 पॉइंट में आ रहा है तो 0.84 होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, तो 12 को डिवाइड करेंगे 104 से, तो 0.84 आराम से लिखो, ये तुम लोग कैलकुलेटर डाल के देखना, 0.86 आएगा, नहीं तो 0.82 आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है, ये आदत आएंगी जैसे ही सॉल्व करते हो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सर फोन की चार्जिंग खत्म होने के है, आई एम लिविंग द ग्रुप, ठीक है, नहीं सिकंदर लिख करो, तो वहां से तुम लोग ये गेन कर सकते हो कि क्या आएगा ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे। यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 35 × 71 इसका 2.5 आ रहा है, ये कट करने के बाद आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सर, सिंपलेस्ट छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड करते हैं, छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड करते हैं, सर हमको याद है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाई 1, ये 2.5 डिवाइडेड बाई 0.84, ये आ जाएगा 0.84 से डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबको, यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 लिखा था मैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से तीनों को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.84 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक 3 अप्रॉक्स आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखना, आई थिंक 3 अप्रॉक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होने जा रहा है वो सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहिए 3। अब हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है 113, अब किसी चीज़ के मल्टीप्लाई करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल में तो आया ही नहीं है, तो जब डेसिमल में आया ही नहीं है, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आराम से फॉर्मूला लिखते हैं C1H1Cl3, ये हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, सुनना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, होते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया 119.5 इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेते हैं, 12 प्लस 1 13 और इसका होता है 35.5, सुनना, तो 35.5 इंटू 3 तो 71 36 106.5, आई थिंक ये 119.5 ही आएगा, ये कैंसिल ईच अदर, एन इज इक्वल टू 1, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू दिस 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू CHCl3, मतलब CHCl3, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आएगा मेरा। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, फिर भी
अब तुम लोग कॉपी पेन उठा के लिख सकते हो जितने लिखने चाहो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन एक और करवाने जा रहा हूँ जिससे कि तुम लोग को पूरे पूरे समझ में आ जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन। रेस्ट मतलब क्या, 100 में से माइनस कर लेंगे जितने बचे उतने। लिखा है, सुनना, ये क्वेश्चन अच्छा बनने जा रहा है। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड वॉज फाउंड टू बी 83। वेपर डेंसिटी दिया है, अभी कुछ दिन पहले अपन ने डील किया ना वेपर डेंसिटी, 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया है, मतलब यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर मास इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे एन इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पर चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन दे रखा है 57.8, हाइड्रोजन जो दे रखा है 3.6, ऑक्सीजन जो बचा वो ऑक्सीजन, तो बचा कितना, ये 61.4 हो गया, तो ये आएगा 38.6। ठीक है, 38.6 ये आएगा कैलकुलेटर पे, इतना बचा परसेंटेज 100% होना। अब हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मास से डिवाइड करते हैं। मास मतलब कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 16। इसके बाद से लिखते हैं ये कितना आया, और 12 से डिवाइड करेंगे ये 4.82 आता है। मेरे पास थोड़ा सा है इसका कैलकुलेशन किया हुआ, ये 3.6 आएगा, ये आएगा 2.41। सर अब क्या करें, अब मैंने बताया था जो सिंपलेस्ट नंबर हो उसे डिवाइड करो ताकि 1 आए। सिंपलेस्ट नंबर कौन है, 2.4, तो ये हो जाएगा 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41, 3.6 डिवाइडेड बाई 2.41, ये हो जाएगा 2.41 डिवाइडेड बाई 2.41। सबसे छोटा नंबर से तीनों को डिवाइड कर दिया ताकि ये छोटा नंबर आ जाए, तो ये 1 आ जाए, एक 1 आया, यहाँ पे ये 2 आया, यहाँ पे ये शायद डेढ़ आएगा, 1.5 आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार, 1.49 बोला ना, 1.49 अगर आता है तो सर क्या करें, तो 1.5 ही लेके चलेंगे, यहाँ अप्रॉक्स लेना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, 0.1 0.2 को इग्नोर मारना है, 1.5 आया। चलिए सर, ये डेसिमल में, इसको नंबर में कैलकुलेट किए तो इसको मिनिमम 2 से डिवाइड, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये नंबर में आएगा, ये 3, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक को क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया अपन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, C4H3O2। ठीक है, ये हो गया अपन का एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया ई फॉर्मूला ना एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एन इंटू मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 2 into vapor density इज इक्वल टू एन इंटू C4 की मासेस कितनी होगी, 12 चौका 48 प्लस 3 प्लस 16 दुनी 32। वेपर डेंसिटी कितनी दी है, 83, 2 into 83 दी रखा है ना, हाँ, एन इंटू ये हो जाएगा 50 30 80 3 83 83 वेरी गुड 83 कैंसिल, एन इज इक्वल टू टू। अब अपन आराम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 into मतलब एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा 2 into C4H3O2 मतलब C8H6O4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चंस दूंगा घर से करने के लिए। आई थिंक एम्पेरिकल फॉर्मूला में किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, देन सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटे नंबर ऑफ एटम से सबको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद से अगर डेसिमल में आया तो मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से जिससे कि वो एक डिजिट गेन कर ले, उसके बाद से उसको बोल देंगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। यही 2-3 स्टेप करने हैं, प्रैक्टिस मेक ऑल परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ें और याद रखना,
जैसे मैंने ये बताया लाइन बाय लाइन लिखने के लिए, ऐसे लिखते हो तो दिमाग में घुसता है कि ये क्यों कर रहे हैं। एक फॉर्मूला भी आता है अल्टरनेट मेथड करके, बहुत सारे बुक्स में इससे फॉर्मूले बना रखे हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये इससे भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह कैंसिल करना एक ही चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रिलेटिव टू ईच अदर कैंसिल हो जाते हैं। तो किसी और फॉर्मूला पर मत जाना, आराम से चलना। मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, मेरे पास 10 क्वेश्चंस के 8-9 क्वेश्चंस हैं, 8-9 क्वेश्चंस दे देता हूँ, सब कोई सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे से पूछो, ठीक है। इसके बाद से कल वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, जो अपन के 2012, 2003, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक पूछे जा चुके हैं, 17 तक के हैं, 18 तक के नहीं है मेरे पास, तो वहाँ तक पूछे जा चुके हैं, नीट में, जेई मेंस में या कहीं भी, हम लोग जितने पढ़े हैं उतने ही लेवल पे, वो क्वेश्चंस को कल हम लोग प्रैक्टिस करने हैं। तो कल थोड़ा सा पूरा बिल्डअप हो जाओ यहाँ तक के सिलेबस को लेके, ठीक है, हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं।